हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप CSIR-NET, गेट, IIT-JAM एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है तो यार मेरा ये वाला चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। काफ़ी सारे मैंने कंटेंट को अपलोड किया है ऑन MSQ सीरीज़। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे तो आप ITEP पर जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ रॉन्स्किन, और रॉन्स्किन के जो हमारे पास इंटरलिंक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं खास करके लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट, और कैसे हम रॉन्स्किन निकालते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ आबेल फार्मूला, यार ये सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो सुन देखिए, ज्वाइन करिए मेरे कोर्सेज को Unacademy फॉर IIT-JAM एंड CSIR-NET, और बनाइए अपनी प्रिपरेशन को आसान इन कमाल के फीचर्स के साथ जैसे रेज हैंड, टेस्ट सीरीज एंड आस्क योर डाउट। यूज माय रेफरल कोड GP सर फॉर 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज। सो सुन, बात करेंगे रॉन्स्किन के बारे में। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस टाइप की हमारे पास कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और x हमारे पास क्या हो रहा है इस इंटरवल AB से आ रहा है एंड A0 इज नॉट इक्वल टू 0, एंड ये जो हमारे पास A0, A1 और A2 है ये सब के सब हमारे पास क्या हो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, एंड y1 एंड y2 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। देन इसकी जो रॉन्स्किन की वैल्यू होती है वो हमारे पास इस टाइप से होती है। इसमें यहाँ पे हमारे पास जो W होगा वो क्या होगा, सुनिए आएगा y1, y2 एंड y1 डैश एंड y2 डैश। इसकी जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या आएगा, ये रॉन्स्किन आएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे y1, y2 और y3 सॉल्यूशन आता है, तो उस वाले केस में हमारे पास जो रॉन्स्किन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सुन y1, y2, y3, फिर ये आएगा y1 डैश, y2 डैश, y3 डैश, फिर ये आएगा y1 डबल डैश, y2 डबल डैश एंड y3 डबल डैश। और इसकी हम रॉन्स्किन की इसका डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो इसकी रॉन्स्किन की वैल्यू के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका y1 और y2 सॉल्यूशन हमारे पास ये दे रखा है, तो इसकी जो रॉन्स्किन की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन ये y1, ये y2 और इसका डेरिवेटिव ये खुद ही आएगा और इसका डेरिवेटिव में 2 आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो तो 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर x e की पावर 2x आएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी और ये हमारे पास रॉन्स्किन की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करेंगे कि रॉन्स्किन को हम कैसे आबेल फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो सुनिए यहाँ पे इसकी रॉन्स्किन को निकालने का एक तरीका और होता है, वो ये होता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो इससे पहले वाला फार्मूला निकाला वहाँ पे अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रॉन्स्किन की वैल्यू निकालनी तो वो कंसेप्ट होता है, पर अगर हमारे पास इन जनरल रॉन्स्किन निकालना है तो हम इस तरह से निकालते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट हमेशा आएगा। अगर कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो फिर पर्टिकुलर पॉइंट रख के हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उस वाले केस में आपको रॉन्स्किन की वैल्यू निकालनी है तो सुनिए ये वाला जो वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू ये हमारे पास e की पावर में चला जाएगा, मतलब a e की पावर माइनस a1x अपॉन a0x इंटू dx आएगा। अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की हो, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि a0 y ट्रिपल डैश प्लस a1 y डबल डैश प्लस a2y डैश प्लस a3y इज इक्वल टू 0, तो उस वाले केस में हमारे पास जो रॉन्स्किन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन माइनस का a1 अपॉन a0x आएगा, मतलब उस वाले केस में ये कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, फार्मूला हमारे पास ये रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और आपको इसकी रॉन्स्किन की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सुन a और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन a0 आ जाएगा और ये हमारे पास a1 आएगा, तो a1 की वैल्यू 1 है अपॉन एक्स और माइनस वैसे ही आता फार्मूले में, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा a की पावर माइनस लॉग एक्स, और सुन ये जो माइनस है इससे ऊपर लेके जाएंगे तो e और लॉग कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स बन जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो रॉन्स्किन की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, सुन a बाय एक्स हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम निकालते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सुन जो पहला की पॉइंट है वो ये कि रॉन्स्किन की वैल्यू या तो हमेशा 0 होगी या फिर नॉन जीरो होगी। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रॉन्स्किन की वैल्यू 0 हो रही तो मतलब वो आइडेंटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन गेट, CSIR-NET और IIT-JAM में पूछ लिया जाता है। अगर हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर रॉन्स्किन की वैल्यू 0 हो रही तो हर पॉइंट पर हमारे पास रॉन्स्किन क्या होगा, 0 होगा। अगर बाई चांस किसी एक पॉइंट पर हमारे पास रॉन्स्किन की वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो सभी पॉइंट पर हमारे पास रॉन्स्किन की वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी, है ना। एक और हमारे पास ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास y1 और y2 कोई सॉल्यूशन दे रखा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसका रॉन्स्किन नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जो y1 और y2 सॉल्यूशन होगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर हमारे पास रॉन्स्किन की वैल्यू 0 है तो वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। एक और ध्यान देने की जरूरत है कि अगर y1 और y2 अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो उसका कोई भी कॉमन जीरो पॉइंट नहीं हो सकता। अगर कॉमन जीरो पॉइंट हो गया तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो रॉन्स्किन का फार्मूला होता है वो यार ये होता है लाइक y1 y2, y1 डैश एंड y2 डैश, अगर कॉमन किसी पॉइंट पर, मान लीजिए किसी x पॉइंट पर दोनों की हमारे पास वैल्यू जीरो होगी, तो यार ये दोनों जीरो होगा, उस वाले केस में रॉन्स्किन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जीरो होगी, तो उस वाले केस में हमारे पास वो एल आई नहीं होगा। अगर y1 एंड y2 आर एल डी देन दे हैव कॉमन जीरो, अगर भाई साहब कॉमन पॉइंट पर हमारे पास उसकी वैल्यू जीरो हो रही है तो फिर वो जीरो हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, एल डी हो जाएगा। इफ एन y1 एंड y2 आर एल आई देन नेवर दे हैव कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट। एक और ध्यान देने की जरूरत है, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या होता है, उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होती है ना, तो अगर हमारे पास इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू किसी कॉमन पॉइंट पे जीरो तो भी इसका रॉन्स्किन जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये भी हमारे पास यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। इसमें एक और हमारे पास कंसेप्ट होता है कि y1 एंड y2 फॉर्म ए फंडामेंटल सेट, देन y1 एंड y2 आर एल आई, राइट, क्योंकि फंडामेंटल सेट्स होगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और उस वाले केस में y1 एंड y2 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एल आई हो जाएंगे। सो नेक्स्ट बारे में बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर टी हमारे पास 0 से 1 के बीच में आ रहा है। देयर एग्जिस्ट अ कंटीन्यूअस फंक्शन पी क्यू आर डिफाइंड ऑन 0 टू 1 एंड टू सॉल्यूशन यू1 एंड यू2 ऑफ द ओडी सच दैट द रॉन्स्किन ऑफ w ऑफ u1 एंड u2 इज दिस। मतलब हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और u1 और u2 हमारे पास यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है और उसकी रॉन्स्किन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे इस तरह से लिखी हुई है, तो यार कौन सी हमारे पास यहाँ पे इसकी रॉन्स्किन की वैल्यू सही होगी, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे पास इंटरवल दे रखा उस पर हमारे पास इस रॉन्स्किन की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो होगी तो वो आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सुन, यहाँ पे जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सुन टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2, जो कि इस इंटरवल में हो रहा है, और अगर इस इंटरवल में 1/2 आ रहा है तो यार भाई साहब ये हमारे पास आइडेंटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ये रॉन्स्किन हो ही नहीं सकता है। अगर इसके बारे में बात करें तो यार हम जानते हैं, अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे 1 रख लूँ तो यार 1 रखोगे तो भी हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि बराबर 1 पे जा रहा है और 1 रखने पर 2π आ जाएगा, तो भाई साहब ये जीरो हो जाएगा। अगर 1/2 भी ले लें तभी हमारे पास साइन पाई जीरो होता है, तो यार ये भी हमारे पास नॉट इक्वल टू राइट होगा। इसी तरह से इसके बारे में बात करें तो मैं, अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे 1/4 रखूँ तो यार 1/4 रखने पर ये π/2 हो जाएगा, cos π/2, और ये जीरो होता है। मतलब इस इंटरवल में हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पर रॉन्स्किन की वैल्यू जीरो हो रही, तो भाई साहब ये भी हमारे पास इनकरेक्ट होगा। पर इसमें बताना चाह रहा हूँ कि 0 to 1 इंटरवल में इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ रही, किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं आ रही, मतलब यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका रॉन्स्किन का वैल्यू हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि y1 एंड y2 फॉर्म ए फंडामेंटल सेट ऑफ द सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, जहां पर x जो है वो ए और बी के अंदर लाई कर रहा है एंड px एंड qx जो है वो कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में, और x0 हमारे पास कोई पॉइंट इस एवी के अंदर है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि y1 और y2 फंडामेंटल सेट से आ रहा है, तो मैंने आपको बोला था उस वाले केस में y1 एंड y2 क्या आ जाएंगे, एल आई आएंगे। मतलब आपको ये पता लगाने किस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे एल आई आएंगे। तो सेकंड फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये आ रहा है कि y1x एंड y2x कैन नॉट हैव ए लोकल मैक्सिमम। अगर बाई चांस हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रखेगा तो उस पॉइंट पर हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब अगर मैं x0 रखूँ तो y1 डैश x0 एंड y2 डैश x0 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो उस वाले केस में रॉन्स्किन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वो हमारे पास एल डी हो जाएगा, जबकि हमारे पास फंडामेंटल सेट की वजह से एल आई होना चाहिए। मतलब यार ये हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कैन नॉट हैव लोकल मैक्सिमम, मतलब दिस इज राइट, अगर हो गया तो जीरो हो जाएगा, राइट, जीरो नहीं होना चाहिए। बट y1 एंड y2x कैन नॉट हैव लोकल मिनिमम, यस इट इज करेक्ट। अगर मिनिमा और मैक्सिमा दोनों केस में हमारे पास उस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, तो यार ये भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। y1 x cannot have local maximum at x0 and y2x cannot have local minimum। भाई साहब अगर मैक्सिमा रखे चाहे मिनिमा रखे, अल्टीमेटली उस पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो जीरो नहीं होनी चाहिए। ये बोल रहा कैन नॉट है, यस इट इज करेक्ट, है ना, तो ये भी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि y1 एंड y2 कैन नॉट वैनिशेस एट x0 साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों की वैल्यू इस पॉइंट x0 पे क्या होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एल डी हो जाएगा, तो यार ये भी हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास बोल रहा है पी एंड क्यू विद द कंटीन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन दिस क्लोज इंटरवल -1 to 1, और हमारे पास एक मैपिंग दे रखी है जो कि -1 to 1 से कहाँ जा रही है, आर में जा रही है, विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर u1 हमारे पास एक पॉजिटिव सॉल्यूशन है और u2 हमारे पास एक नेगेटिव सॉल्यूशन दे रखा है, जो कि इस कंडीशन को यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जीरो पे दोनों हमारे पास क्या हो रहा है, जीरो, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे पास इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। और अगर जीरो आ रही तो हम जानते हैं यहाँ पे कि इसकी हमारे पास जो रॉन्स्किन की वैल्यू है वो हमारे पास आ रहा है u1 0, u2 0, फिर हम जानते हैं आएगा u1 डैश 0, u2 डैश 0, u2 डैश 0, तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास कॉमन पॉइंट पर इसके वैल्यू के आगे जीरो आ गई, तो उस वाले केस में ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इसके रॉन्स्किन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और अगर रॉन्स्किन की वैल्यू जीरो आएगी तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रॉन्स्किन जीरो आ रहा है तो वो आइडेंटिकली पूरे इंटरवल में क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। तो इस तरह से हम इसको बहुत ईजिली यहाँ पे प्रूव कर सकता है। सो ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। उसका सही ऑप्शन भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। ऐसे और भी वीडियोस हैं जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। एमएसक्यू सीरीज पे सुन में एक नया वाला चैनल बनाया जहां पर मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूं, वो वीडियोस आप यहां जाके देख सकते हो, और यहां जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहां जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।